नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आपके अपने ही क्लासरूम ज्ञान अभियान में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगनल ए सी बाइसेक्ट। ए कहता है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और इसमें कि डायगनल ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और एंगल सी को। सो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो आपको दिखलाना है कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। सबसे पहले तो आपको ये दिखलाना है। दूसरा आपको क्या दिखाना है कि डायगनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एंगल डी। और इसका जो ये बी डी है ये क्या कर रहा है, एंगल बी और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इस वाले को हम लोग इस डायगनल की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे। अभी हम लोग पहले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और सिर्फ एक डायगनल एसी देख लेते हैं इसके द्वारा, है ना। तो यहां पर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए कह रहा है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के क्या होते हैं, सामने सामने के साइड बराबर होते हैं। तो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो जाएगा, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो जाएगा ना, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर। और फिर यहां पर दे रखा है क्या है, ए बी सी डी रेक्टेंगल इन विच डायगनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल सी। तो इसको भी यूज करना है, अदरवाइज इसको हम लोग ऐसे ऐसे प्रूव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये करना है कि ये वाला इसको, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या चीज होता है कि ये एंगल जो होता है इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है, और ये एंगल क्या हो जाता है, इस एंगल के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस ये जो ये वाला चीज है इस वाले प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा गिवन है, क्या चीज हमारे पास गिवन है, गिवन आ रेक्टेंगल ए बी सी डी इन विच ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, या एंगल ए और एंगल सी को ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ले लेते हैं, यहां पर लेते हैं गिवन हमारे पास क्या जाएगा, एंगल बी ए सी। यहां पर टू प्रूव लिखते हैं, पहले टू प्रूव क्या प्रूव हमें करना है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब यहां ए बी सी डी इज अ स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जा रहा है, यहां पर हम अगर प्रूव कर देते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है, आई इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, है ना। ये अगर हम ये चारों चीज प्रूफ कर दिया कि ये चारों साइड आपस में बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल तो है ही, मतलब इसके ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं ही। तो यहां पर लेते हैं प्रूफ, ठीक है, यहां पर देखिए प्रूफ ले लेते हैं। तो यहां पर हमने इसको इसका नाम लिख लेते हैं, ये एंगल वन, ये एंगल टू, ये वाला है एंगल थ्री और ये एंगल फोर ले लेते हैं। तो एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री, है ना, अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट, ये और ये जब रेक्टेंगल है तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगा, जब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगा उस कंडीशन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री। कैसे, अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आप इतना भी लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से एंगल टू इक्वल टू एंगल, एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर, एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर, ठीक है, ये भी क्यों ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग वन मान लेंगे, इसको हम लोग टू मान लेंगे, लेकिन बट क्या है? लेकिन दिया क्या है कि एंगल ये जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ठीक है। ये कैसे पता चला, ये है गिवन, ठीक है, इसको हम लोग थर्ड मान लेंगे। एंड एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, ठीक है, ये भी हो गया गिवन हमारे पास। तो यहां पर आप देखते हैं तो क्या हो जा रहा है, एंगल वन एंगल थ्री के बराबर हो रहा है, ठीक है, और एंगल वन क्या हो रहा है, एंगल टू के बराबर हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं एंगल टू और एंगल थ्री क्या हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम वन एंड
थ्री, एक और तीन से क्या हो जा रहा है, देखिए एंगल वन, एंगल वन तो इस तरह से, एंगल टू और एंगल थ्री क्या हो जाएगा, एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल टू और एंगल थ्री क्या हो जा रहा है, एंगल टू और एंगल थ्री बराबर हो जा रहा है। जब एंगल टू और एंगल थ्री बराबर हो जाएगा, ठीक है, सो क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू CD, AD और CD क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसी तरह से सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली एंगल यहां पर AB इक्वल टू BC हो जाएगा, ठीक है, ये भी वही हो जाएगा, साइड अपोजिट टू ये, जब ये दो चीज मतलब इस तरह से हम इसको यहां तक हमने 3 1 2 3 यहाँ 4 तक ले लिया, तो ये 5 और इसको हम लोग 6 ले लेते हैं, तो फ्रॉम 5 एंड 6 क्या हो जा रहा है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, है ना, और ये हो जा रहा है प्रूव्ड। यहां पर लिख सकते हैं सो ABCD इज अ स्क्वायर, सो ABCD इज अ स्क्वायर, ये हो गया हमारा प्रूफ, यहां तक हमने कर दिया। अब इसी तरह से अब यहां पर ले लेते हैं, जब ये वाला प्रूफ हो गया कि ये सारे साइड बराबर हैं, तो उस कंडीशन में अब अगर हम ये वाला अब इधर से ये डायगनल, अब यहां पर एक दूसरा फिगर ले लेते हैं, दूसरा फिगर ये हमने ले लिया और यहां पर AB C और ये D ले लेते हैं और इस बार ये BD डायगनल ऐसे खींच देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने ये इसको स्क्वायर प्रूफ कर दिया है, अब हमने इसको इस वाले एंगल को 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 मान लेते हैं, तो इस कंडीशन में क्या जाएगा, सबसे पहले तो ये और ये पैरेलल है, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, ठीक है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, ये कैसे हुआ, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसके बाद देखिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 हो जा रहा है, अब ये चीज तो हो जा रहा है, अब यहां पर देखिए और क्या चीज हो जाएगा, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6 हो जाना है, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6 हो जाना है, ये भी कैसे हुआ, अल्टरनेट एंगल। अब यहां पर देखना और आपको क्या चीज देखना कि ये अब एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा, क्यों, ये चीज क्यों होगा, ये इसलिए होगा कि ये चीज इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, तो यहां लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना, इक्वल साइड्स से इसीलिए। अब यहां पर अगर हम इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3, तो from 1 2 and 3, ठीक है, क्या आ जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, तो ये इस तरह से हो गया, ये वाला चीज हो गया। सो डायगनल यहां पे लिखेंगे, सो डायगनल डायगनल BD bisect एंगल B एंड एंगल D और ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझने में बहुत ही आसानी हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पर, इसी तरह से आप ज्ञान अभियान चैनल को देखते रहिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।